हेलो दोस्तों, बी विचित्र मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैं बिलाल आकाश आप लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ जो नेटवर्क सेक्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है, जो WDR वाला सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या कौन सा सेक्शन कैसे वर्क करेगा, क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। वॉट इज़ द DRX रिजर्व रिसीविंग सेक्शन, रिजर्व सिटी रिसीविंग सेक्शन एंड वॉट इज़ द PRX प्राइमरी रिसीविंग सेक्शंस और हाउ टू ट्रांसमिट डेटा, मतलब जो बैंड होते हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं और उसको हमको क्या क्या चीज़ का नॉलेज करना चाहिए। जैसे कि हम इंडिया में कौन से बैंड वर्क करते हैं, लाइक एज इंडिया में कॉमनली देखने जाए तो हमारे जो मोबाइल बैंड्स है उसके अंदर B40, B41 और B1, ये जो 4G के लिए मोस्टली मीडियम बैंड एंड हायर बैंड के लिए वर्क करते हैं। तो कैसे ये बैंड का डिटेल्स आपको पता चलेगा और कौन सी IC मोस्टली डेटा को रिसीविंग करेगी या कौन सी IC मोस्टली डेटा को ट्रांसमिट करेगी और किस टाइम पे हमको क्या चीज़ जो फोकस करना चाहिए, कौन से कंट्रोल सेक्शन WDR में लगे हुए हैं और कौन से हमारे वोल्टेज सेक्शन वर्क करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूले। बहुत सारे बंदे नेगेटिव कमेंट करते हैं, मेरे हिसाब से उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए जो लोग उनको रिप्लाई भी देते हैं। ऐसे बंदे हर जगह मिलेंगे, उन लोगों को तो भगवान में भी कमी दिखती है, तो वो लोग तो हर चीज़ में, जैसे कि उन लोगों को तो भगवान को भी कोसते रहते हुए कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया, भगवान ने हमको ऐसा किया, तो उन लोगों को ध्यान में नहीं लेना चाहिए। तो मेरे सब्सक्राइबर जो लोग अगर गलत कमेंट करते हैं तो उनको रिप्लाई मत दो, इग्नोर करो उन लोगों को। उन लोगों का काम ही है हर जगह पे, जब वो लोग अपने माँ बाप की अंदर भी कमी निकाल सकते हैं तो वो किसी ना किसी के अंदर भी कमी निकालेंगे, इग्नोर इट, कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए और ये वीडियो को बहुत शांति से ध्यान से पढ़ना, मैं बहुत सारी चीज़ें शांति से समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरी नेक्स्ट बैच जो है वो 1 अगस्त की आप लोगों की दुआ से और कृपा से फुल हो चुकी है, तो नेक्स्ट बैच मेरी स्टार्ट होने वाली है 5 सितंबर से, जिसका बुकिंग चालू हो चुका है और लगभग 50% बैच वो भी बुक हो चुकी है। अगर किसी को मेरी बैच ज्वाइन करनी है और हार्डवेयर स्किल और ये जो भी फॉल्ट फाइंडिंग है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। मेरी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम है विचित्र मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट के सक्सेस रिपोर्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा काम करते हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, तो आप लोगों को नियरेस्ट स्टेट के अंदर मेरे जो स्टूडेंट्स मिले आप उनसे काम करवा सकते हो, वो होलसेल रिपेयरिंग में आपका काम करेंगे, हम भी होलसेल रिपेयरिंग में काम करते हैं, आप हमें भी पार्सल भेज सकते हो, आप हमारे स्टूडेंट को भी भेज सकते हो। मेरे स्टूडेंट जो भी वी फिक्सिट टीम लिखा हुआ मिलेगा, जिनकी पोस्ट पे आपको वी फिक्सिट टीम या वी फिक्सिट फैमिली या थैंक्स फॉर बिलाल आकाश मिले, आप समझ जाना वो मेरा स्टूडेंट्स है, आप उनको ब्लाइंडली भरोसा कर सकते हो, उनकी रिप्लाई रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क सेक्शन को कैसे वर्क करते हैं उसका हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है कंट्रोल पैनल के अंदर जाके हमारा पेंट जो है वो ओपन करना है हमको, पेंट 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 पेंट, वेयर इज पेंट, सर्च और ये पेंट। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि हमारी मोबाइल सर्किट के अंदर एक तो हमारा मास्टर भाई हमारा होता है CPU, जिसको हम मास्टर बोलते हैं, और ये CPU के अलग अलग एक फंक्शन होते हैं, यानी हर एक CPU में कंपनी ने फंक्शन दिया हुआ है। कुछ कंपनियां ये फंक्शन को जैसे अलग से भी चिप लगा के दे सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि लाइक एज ये CPU का बेसबैंड फंक्शन है, ये हमारा बेसबैंड फंक्शन है, और ये बेसबैंड फंक्शन अगर कंपनी ने CPU में नहीं दिया है तो वो अलग से भी बेसबैंड CPU रख सकती है और उसको अलग से पावर देने के लिए एक पावर IC रख सकती है, जो कि 5G सेट में यही कंपनी ने किया है और कुछ नया बदलाव नहीं है। लेकिन आप लोगों को किसी बंदों को समझ में नहीं आता तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। अब ये हमारा है CPU, लिख देते हैं नाम, नहीं नामकरण बाद में करते हैं, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारी हो गई ट्रांस रिसीवर IC, यानी ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए
ये हमारी आईसी हो गई, जिसको आप लोग WDR बोलते हो, SDR बोलते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये आईसी के अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, जैसे आप देखने जाओ तो DRX फंक्शन, मैं आपको ये स्केमेटिक से भी समझाऊंगा, फिर PRX फंक्शन, फिर ट्रांसमिटिंग फंक्शन, फिर GPS फंक्शन और VLAN बेसबैंड सेक्शन फंक्शन, यानी आपका VLAN का डेटा यानी वाईफाई का डेटा भी यहाँ पे से ट्रांसमिट करने के लिए होता है, कभी कभी वाईफाई सी का जो सेक्शन होता है। तो हम पहले देख लेते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे ये हमारा हो गया CPU, और ये CPU का हमारा हो जाएगा BB सेक्शन, बेसबैंड सेक्शन। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारी ये हो गई TRX ट्रांस रिसीवर IC, यानी इसके बिना ना ट्रांसमिट होगा ना रिसीव होगा। ओके, और इसके अंदर अब अगर हम देखने जाए तो मैं इसकी स्मॉल साइज कर लेता हूँ, ये हमारा PRX सॉरी हम ले लेते हैं DRX फंक्शन, F नहीं X, रिजर्व सिटी रिसीविंग, और एक फंक्शन होगा हमारा PRX जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी रिसीविंग फंक्शन, और एक होगा हमारा ट्रांसमिटिंग फंक्शन। अब जैसे कि ये आईसी को हर बार क्लॉक जो भी है फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है कि सबसे पहले समझा दूँ कि ये आईसी को जो वोल्टेज दिया जाता है वो वोल्टेज होता है पावर आईसी से उसको दिया जाता है, तो उसको 1.8 वोल्टेज जाएगा एक, तो इसको एक वोल्टेज जाएगा 1.8 वोल्टेज, एक वोल्टेज जाएगा इसको 1.0 वोल्टेज, और एक जो जाएगा वो जाएगा ये सेक्शन को भी और ये सेक्शन को भी, जिसको हम बोलते हैं पावर आईसी के पास जो क्रिस्टल रहता है हैक्स ओ क्रिस्टल, यानी फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ से इसके अंदर दोनों सेक्शन में जाएगी, जो WDR के अंदर भी कॉमन जाएगी और CPU के बेसबैंड सेक्शन में भी जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे उसको XO क्लॉक, जो आपकी पावर आईसी बना के देती है, ये आपका आएगा PM से, ये आपका 1.0 वोल्ट। स्केमेटिक में पॉइंट को P से दर्शाया जाता है, 1.8 वोल्ट। ओके, तो ये हो गया इसका जो कंट्रोल सेक्शन था, मतलब इसको एक्टिवेट होने के लिए वोल्टेज। तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये कैसे अपने स्केमेटिक के अंदर कैसे दिखेगा, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ साथ साथ में। तो उसके लिए हम कॉमन मॉडल एक 7A ले लेते हैं, 7A जो भी कॉमन है, क्योंकि 7A अभी सब लोगों को समझ में भी आएगा आराम से, और सब लोगों ने 7A मॉडल देखा भी होगा जो भी लेटेस्ट में भी चल जाएगा। तो सबसे पहले दिखा दूँ कि ये है हमारी WDRIC, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है WDR का फंक्शन, जिसमें VDD RF 1 2 1 1 1 यानी तीन जगह पे 1.0 वोल्टेज जाएगा, एक जगह पे VDD RF 2 यानी 1.8 वोल्टेज। ये RF 2 कैसे वोल्टेज चेंज हुआ वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.8 को एक रजिस्टर के जरिए RF 2 का नाम दिया गया है, और 1.0 के बीच में एक रजिस्टर, इसमें भी रजिस्टर लगा गया RF 1। RF 1 ये रिसीविंग के लिए होगा, ये ट्रांसमिटिंग सेक्शन के लिए होगा, और यहाँ पे जो हमारा डेटा इनपुट आउटपुट के लिए ये 1.0 वोल्टेज, ये तीन सेक्शनों में हमारी WDR में जाता है। आप देख सकते हो वही कॉमनली 1.0 वोल्टेज, ये तीनों सेक्शन में हमको कंपलसरी ये चाहिए। अगर ये नहीं होगा, लाइक ऐसा हमारा ट्रांसमिट का 1.0 वोल्टेज 25 नंबर की पिन पे WDR पे मिस हो गया, तो
तो क्या होगा, हमारा ट्रांसमिट सेक्शन वर्क नहीं करेगा, कॉल आएगा लेकिन जो है हमारा कॉलिंग आउटपुट नहीं होगा, यानी नेटवर्क फेक भी दिखा सकता है इसकी वजह से। यही सेम चीज आर एक्स क्यू में अंडर भी होता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये हमारी WDR है, ये WDR है जिसके अंदर हैक्सो क्लिक क्लॉक, यानी जो WDR को क्लॉक इन हो रहा है वो सबसे पहले इन होगा। उसके बाद हमारी WDR जो है, जितने भी RFICR है वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे CPU के साथ कनेक्टेड रहेगी, रेडियो फ्रंट टू फ्रंट एंड जिसको हम बोले थे RFFE प्रोटोकॉल, जिसमें क्लॉक एंड डेटा लाइन लाइक एज आपने देखा होगा बहुत सारी हमारी जो दूसरी ICR है जो स्लेव है, जो भी जैसे कैमरा सेक्शन, फिंगरप्रिंट सेक्शन, टच सेक्शन, वो I2C से जुड़ी होती है। इसी तरह नेटवर्क सेक्शन की हर एक IC जो है वो RFFE प्रोटोकॉल से जुड़ी होती है और ये लाइन सीधी हमारे CPU से आएगी। तो हम यहाँ पे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं और इसके लिए हम थोड़ी पतली सी लाइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे, एक लाइन लेंगे, थोड़ा मेरा ड्राइंग जो है आप लोग एडजस्ट कर लेना क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी मैंने ऑनलाइन ऐसा सिखाया नहीं है, मैं बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे सिखाने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ, तो इस पे मेरे को थोड़ा कभी कीबोर्ड नहीं जम रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो देख लेना भाई। आई हैव ए क्लॉक, और ये दो लाइन, ऐसा नहीं है DRX सेक्शन में जाती है, ओके डोंट माइंड। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है वो GPS को इनेबल करने के लिए एक सिग्नल आएगा, वो CPU से आएगा, जो कि अभी मैं GPS नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पहले नेटवर्क सेक्शन ही बेटर समझा दूंगा। उसके बाद GPS जब आएगा, मैं GPS भी उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, फिर GPS का सिग्नल जो है और GPS की डेटा लाइन इन होगी, यहाँ से GPS का डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए दो ये दिया गया है IPQ और QP, ये दो लाइन। उसके बाद WDR डिटेक्शन लाइन, ये जो लाइन है यानी WDRP डिटेक्ट पावर डिटेक्ट, यानी WTR के अंदर पावर आ चुका है वो समझाने के लिए WDR सीधा एक पावर डिटेक्ट, इसको मैं आगे समझाता हूँ तो मज़ा आएगा। उसके बाद WDR के लिए ट्रांसमिट के डेटा आते हैं जिसपे IP और IM और QP और QM रहते हैं, जो भी ट्रांसमिट डेटा जो है वो CPU हमारी WDR को सेंड करता है ट्रांसमिट के लिए। तो यहाँ पे आप TX की लाइन देख सकते हो जिसपे मैंने लगाया है TX लिखा हुआ, इसके ऊपर हम चार लाइन को ड्रॉ कर देंगे, एक दो तीन और ये चार, ये हमारी ट्रांसमिट की लाइन जो हमारे CPU के अंदर से आएगी। सॉरी थोड़ा मैं बड़ा कर दिया, यहाँ पे मेरे को ड्रॉ करना है, ये CPU हमारे WDR को ये लाइनें देगा। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसमिट की लाइन हो गई, ये लाइन मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद ये टोटल डेटा को ट्रांसमिट करेगा, वो कैसे ट्रांसमिट करता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद एक और सेक्शन है PRX सेक्शन, जिसके अंदर PRX का मतलब होता है प्राइमरी रिसीविंग सेक्शन, जिसमें तीन बैंड है, हायर बैंड 1-2 मेगा, मीडियम बैंड 1-2-3 और लोअर बैंड 1-2-3। अब ये सेक्शन को भी हमारे CPU के साथ कम्युनिकेट करना है, यानी PRX बेस बैंड इनपुट और बेस बैंड आउटपुट। तो ये सेक्शन को भी हमारी दो लाइन के थ्रू हम ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए मैं एक ग्रीन कलर की लाइन ले लेता हूँ, दो लाइन, एक रिसीविंग सेक्शन प्राइमरी रिसीविंग सेक्शन के लिए है, और उसके बाद आप देख सकते हो WDR DRX इनपुट और DRX QP और DRX IP।
तो ये दो सेक्शन के लिए मैं दो लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे, उसके लिए दो कलर अलग से ले लेते हैं हम। ये डी आर एक्स सेक्शन हो गया और ये पी आर एक्स सेक्शन, यानी ये हमारी डब्ल्यू डी आर आई सी के साथ ये डेटा लाइन के थ्रू हमारा सी पी यू जो है वो कनेक्टेड है। और जब रिसीविंग होता है तो यहाँ पे वो सेक्शन कनेक्शन के बाद ये सेक्शन के ऊपर सी पी यू जब डी आर एक्स के थ्रू डेटा रिसीविंग होगा, किसके थ्रू? डी आर एक्स के थ्रू, तो ये डेटा लाइन के थ्रू सी पी यू के साथ जाएगा। और जब पी आर एक्स के थ्रू डेटा रिसीव होगा तो ये दो पी आर एक्स के लाइन के थ्रू आपका सीधा सी पी यू में जाएगा। आपको ये दिखा दूँ, डी आर एक्स एंड पी आर एक्स सीधा सी पी यू से आता है, यहाँ से हमने कॉपी किया नेक्स्ट किया। आप देख सकते हो एक पी आर एक्स इनपुट आउटपुट है जो हमारा U1001H यानी जो है हमारा सी पी यू है U1001, इसके अंदर दो सेक्शन है आप देख सकते हो, एक तो डब्ल्यू डी आर पी आर एक्स प्राइमरी रिसीविंग और डब्ल्यू डी आर रिजर्व सिटी रिसीविंग जो यहाँ पे कनेक्टेड है। और उसके बाद ये दो लाइन पे डेटा रिसीव होगा और यहाँ से ये जो भी है डेटा ट्रांसमिट करता है, जो डब्ल्यू डी आर का ट्रांसमिटिंग सेक्शन है आप देख सकते हो। अब ये बेसबैंड सेक्शन जो है सी पी यू का, जो ये बेसबैंड सेक्शन है यानी ये वाला सेक्शन है, उसको जब पावर आई सी ऑन होती है तब उसको मल्टीपर्पज एक रेफरेंस वोल्टेज देती है ताकि ये सेक्शन बेसबैंड सेक्शन इसको एक्टिवेट हो कर सके। तो यहाँ पे एक वोल्टेज आएगा बेसबैंड सेक्शन में जो हमारी पावर आई सी से रहेगा, इसको हम रेफरेंस वोल्टेज बोल सकते हैं मल्टीपर्पज। VRF वोल्टेज PM से आएंगे ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ जाए, क्योंकि ये कॉम्युनिकेशन करने के लिए भी तो ये बेसबैंड सेक्शन को हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे ये आएंगे उसको वोल्टेज। उसके बाद आप देख सकते हो कि WDR का GPS का इनपुट आउटपुट है जो कि मैं आपको बताया कि मैं नेक्स्ट सेक्शन में, उसके बाद बेसबैंड सेक्शन भी ये बेसबैंड सेक्शन में WDR के सॉरी VLAN यानी वाईफाई का भी यहाँ पे इनपुट आउटपुट भी कनेक्टेड है। तो जो बेसबैंड सेक्शन है यानी ये वाला जो CPU का बेसबैंड सेक्शन है उसको वर्क करने के लिए CPU को एक प्रोग्राम फाइल दी जाती है। तो आप लोगों को बता दूं वो प्रोग्राम फाइल का नाम लाइक एज आप लोग बोलते हो QCN EFS NV data या फिर आप सिक्योरिटी फाइलें बोल सकते हो। ये फाइल सॉरी मेरा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिक्योरिटी फाइल है। ये फाइलें अगर आपके CPU के बेसबैंड सेक्शन को नहीं मिली तो CPU जो है वो ये सारा फंक्शन को क्लोज कर देता है और नेटवर्क नहीं आता, जिसमें आप लोग ने देखा होगा बेसबैंड अननोन होता है या IMEI नहीं होता तब ये जो WDR सेक्शन है उसमें कोई वर्किंग नहीं होता है। सॉरी मेरा कॉल आ गया था उसके लिए मैं भूल गया था। तो ये सिक्योरिटी फाइलें कंपलसरी ज़रूरी है और ये सॉफ्टवेयर के दरमियान इस CPU के बूटलोडर के थ्रू राइट की जा सकती है, जो कि आपको IMEI चेंज करना इज इनलीगल, इंडिया में इनलीगल है, तो प्लीज़ आप ना करो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि ये DRX फंक्शन PRX और TX फंक्शन जो है हमारे CPU के साथ कनेक्टेड है और मैंने आपको स्कीमेटिक के अंदर भी इसको बता दिया कि CPU के साथ कनेक्टेड है। ओके, अब बात आती है सबसे पहले ट्रांसमिटिंग की। जब CPU ने इसको ट्रांसमिट की डेटा लाइन के थ्रू जब डेटा दिया ट्रांसमिट के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसमिट की चार लाइनें हैं, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर। अब आप देख सकते हो कि चार ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें एक है WDR ट्रांसमिट GSM हब यानी लोअर बैंड, WDR का ग्लोबल बैंड यानी जो हमारा मीडियम बैंड रहेगा, उसके बाद ये मीडियम एंड हाई बैंड दोनों साथ में है और यहाँ पे भी मीडियम एंड हाई बैंड। ओके, तो ये चार लाइन के थ्रू अलग अलग बैंड को ये ट्रांसमिट करता है। अब ये बैंड कैसे है आपको मैं यहाँ पे एक चैट के थ्रू बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने एक चैट रेडी किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो गुजरात में है या जो भी अलग अलग स्टेट में है तो एयरटेल के बैंड जो रहते हैं वो बैंड 3, 40, 5 और 1 पे वर्क करेंगे, यानी 40 जो है वो उसका 4G का है और 3 जो है वो उसका 4G का है और बाकी जो है लोअर एंड हायर बैंड। रिलायंस जियो 3, 5 और 40 पे वर्क करेंगे, आइडिया 341
एट और वन पे वर्क करेगा और BSNL बैंड 8 पे वर्क करता है। तो आपकी जैसी सिम रहेगी वैसे ये बैंड वहाँ पे ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले WTR क्या करता है, जब उसको CPU को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए दिया, पहले तो उसको वोल्टेज मिले, फ़ोन एक्टिवेट हो गया, उसके बाद उसका बेसबैंड वेरिफिकेशन हो गया। बेसबैंड वेरिफिकेशन के बाद ये WTR आपने देखा होगा यहाँ पे एक हमारी PAIC लगी हुई रहती है जिसका मेन एंटीना कनेक्टेड होता है जिसके साथ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी PAIC है और इसके ऊपर एक मेन एंटीना रहता है, सॉरी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, ये एंटीना के बीच में यहाँ पे एक एंटीना स्विच होती है, यहाँ पे एक एंटीना स्विच होती है जो कि डायरेक्टली ये कनेक्टेड होती है CPU के साथ। ये CPU के साथ कनेक्टेड होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीना स्विच। यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा लेकिन आपको समझाने के लिए आसान रहेगा ये। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि एंटीना स्विच कैसे वर्क करती है। तो WDR के बाद मैं सीधा आपको लेके चलूँगा हमारी जो PAIC है, यानी जो ये लोअर बैंड ट्रांसमिट होता है ये वाली, जिसके ऊपर मेन एंटीना लगा हुआ है। और आप देख सकते हो एंटीना मैच, यानी जो ये एंटीना मेन एंटीना लगता है उसके बाद यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनती है। जब ये एंटीना लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली ग्राउंड होगा। ये एंटीना मैच जब होगा ये सीधा कनेक्टेड है, आप देख सकते हो GPIO यानी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, यानी ये CPU के साथ कनेक्टेड है। तो ये एंटीना जब जैसे ही डिटेक्ट होता है तो हमारा प्राइमरी यानी PRX सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब PRX सेक्शन कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ से PRXN हुआ। अब ये जैसे ही इन होता है तो पावर IC उसको वोल्टेज डिटेक्ट हुआ या नहीं तो वो क्या करेगी, यहाँ से पावर डिटेक्शन का एक सिग्नल जो है आप दिखा देता हूँ, एक फिल्टर है, ये फिल्टर आपको कंपलसरी देखने को मिलेगा एंटीना के पास। और इसको कंट्रोल सेक्शन जो है पावर डिटेक्ट कंट्रोलेशन सेक्शन जो है CPU देता है जब आपका एंटीना लग जाता है, और इसको इनेबल करता है WDR P डिटेक्ट, जो कि मैंने आपको एक लाइन बताई थी ये वाली, मैंने बोला था। तो ये जैसे ही यहाँ पे पावर डिटेक्ट होता है जिसको एक्टिव होने के लिए चाहिए 1.8 वोल्टेज, तो मैं यहाँ पे लेआउट भी ओपन करना चाहूँगा कि ये सेक्शन कहाँ पे ये चीज़ लगी हुई रहती है। तो आपको बता दो U2501 जो कि आपका मेन एंटीना रहेगा उसके बिल्कुल पास रहेगा, यानी ये एंटीना कनेक्शन जब इसके अंदर जाएगा तब ये एक डिटेक्शन बेस रहेगा कि जैसे ही पावर हमारी WDR एक्टिवेट होगी, जैसे ही एक्टिवेट हुई WDR ने इसको इनेबल का सिग्नल भेजा, CPU ने भी इनेबल सिग्नल भेजा और यहाँ से WDR डिटेक्ट हो चुकी है, यानी WDR रेडी हो चुकी है। ये सिग्नल सीधा आपका जाता है ये वाली IC के अंदर, यानी ये IC के अंदर U2700 के अंदर आप देख सकते हो U2700 2700, यानी जैसे ही WDR हमारी एक्टिव होगी सबसे पहले ये IC को WDR क्या करेगी, एक्टिव करेंगी, जिसको मैं PF बुलाता हूँ। बहुत सारे बंदे कुछ भी बुलाते हो, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेरी लैंग्वेज से ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको PF बोलता हूँ। ओके, तो ये WDR इसको डिटेक्शन भेजेगी और ये एंटीना डिटेक्ट होगा, यहाँ से ये IC डिटेक्ट होगी तभी ये ट्रांसमिट एंड रिसीविंग का सिग्नलिंग स्टार्ट कर देगा। अब ये पावर WDR डिटेक्शन का सिग्नल जो है वो यहाँ पे कंट्रोल होगा। उसके बाद क्या हुआ कि WDR ने यहाँ से एक डेटा ट्रांसफ़र किया लोअर बैंड का, ये सीधा डेटा ट्रांसफ़र जाएगा आपका ट्रांसमिटिंग के लिए सीधा, सॉरी ये तो यहाँ पे लाए वापस, इसके अंदर यानी PAIC के अंदर, यानी जो लोअर बैंड रहेगा, कौन सा बैंड रहेगा, ये हमारा GSM हब है, ये हायर बैंड है लोअर बैंड है, यानी जो ट्रांसमिट के लिए जितना भी डेटा है, यानी जो दो ट्रांसमिट डेटा, यानी ये आपका B5 B8 B20 B28 और ये HB यानी हायर बैंड हब,
जो भी है वो सीधा WDR जो है यहाँ से ये दो बैंड को सीधा ट्रांसमिट करती है आपके PFIC को, यानी ये वाली आईसी को, और ये आईसी क्या करती है यहाँ से ये बैंड को सीधा ट्रांसमिट कर देती है, यानी ट्रांसमिट के लिए यहाँ पे दो लाइन लगाई गई है। उसके बाद ये आप देख सकते हो तीसरी लाइन, यानी तीन ट्रांसमिट डेटा WDR से सीधा यहाँ पे आता है। उसके बाद क्या होता है कि जब WDR ने तीन डेटा तो वहाँ पे सेंड कर दिया, लेकिन जब 4G का सिग्नल सेंड करना है तो क्या करती है WDR कि ये सिग्नल एक साथ में है, जैसे B38, B40, B41, अब इसको एक साथ ट्रांसमिट करना मुश्किल होता है, तो WDR इसको यहाँ से सेंड करेगी और वो सीधा आपकी एक RFIC होती है, RFIC जिसको वर्क करवाने के लिए वोल्टेज चाहिए 1.8 और VPH, प्लस इसको क्या करना रहता है कि ये सिग्नल को अलग अलग करना रहता है, तो कभी कभी इसको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी ने क्या करा, एक अलग से एक पावर आईसी लगाई VPT APT मॉड्यूलर, जो सीधा कंट्रोल RFAP के थ्रू हमारे CPU के साथ रहता है। आपको मैं दिखा दूँ ये मॉड्यूलर आईसी भी, आप देख सकते हो ये आईसी है छोटी सी, और ये आईसी वर्क करेगी 1.8 वोल्टेज एंड VPH वोल्टेज पे, और ये देख सकते हो आप RFAP, यानी ये भी RF के लिए वर्क करेगा, RFAP प्रोटोकॉल के थ्रू CPU के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ से ये वोल्टेज जो है वो वेरिएटेड वोल्टेज हो गए, यानी 2 वोल्टेज से लेके 4.8 वोल्टेज तक मैंने इसको देखा है, और ये वोल्टेज तब ज़रूरत पड़ेगी जब ये आईसी CPU को बताएगी किसके थ्रू, RFAP प्रोटोकॉल के थ्रू ये आईसी भी कनेक्टेड है, कि भाई मेरे को अब रेक्टिफाई करने के लिए, यानी ये वोल्ट ये जो सिग्नल आया है उसको अलग करने के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज चाहिए। अब क्या होगा, B7 B38 B40 41 ये सिग्नल इसने क्या करेगी, अलग अलग कर देगी। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक एक सिग्नल अलग किया, जैसे LB1 B5 फिर B28 फिर B8 फिर B3 फिर B2 B1 B4 इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो B39 B40 आप देख सकते हो B40। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक यहाँ पे RXTX फिल्टर लगा हुआ है, उसके अंदर उसने ये सिग्नल को भेजा और ये सिग्नल को सिंगल बना दिया, और यहाँ से B40 सिग्नल सीधा ट्रांसमिट के लिए वापस सीधा चला जाएगा हमारी ये ट्रांसमीटर आईसी में, यानी जिसको मैंने बताया था आपको ये वाली PF, यानी RFIC क्या करेगी, जब PRX सिग्नल ट्रांसमिटिंग सिग्नल ये हमारी RF हो गई, ट्रांसमिटिंग के कुछ सिग्नल जो भी 4 सिग्नल थे ट्रांसमिट के, वो हमारे जो WDR ने है वो डायरेक्टली हमारी PF को दिए थे, तो मैं उसको समझाना चाहूँगा पहले। तो यहाँ से थोड़ी पतली लाइन लेते हैं, और इसको वर्क करने के लिए वोल्टेज चाहिए वो दर्शाने जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसके लिए वहाँ पे मैंने स्केमेटिक में आप लोगों को बता दिया है। बाकी जो एडवांस लेवल के बंदे हैं उनको तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, बेचारे समझ जाते हैं जल्दी। तो ये हमारी लाइन हो गई, ये ट्रांसमिटिंग लाइन हो गई। अब क्या हुआ, दो चार बैंड ऐसे थे जो 4G के, उसने क्या किया इस आईसी को डायरेक्टली दे दिया। अब ये आईसी ने भी वो सिग्नल को अलग अलग करके ये आईसी को सेंड कर दिया, और ये ट्रांसमिट करने के लिए क्या किया, ये आईसी ने सीधा यहाँ से एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया। ये तो ट्रांसमिटिंग सिग्नल था प्राइमरी PRX सेक्शन में, हमारा ये ट्रांसमिटिंग सेक्शन था, यानी यहाँ से ये टोटल ट्रांसमिटिंग। आप देख सकते हो यार TRX लिखा है, मतलब यही लाइन के थ्रू जब ये एंटीना पे कोई सिग्नल रिसीव होता है मेन एंटीना पे,
तो यहाँ से ये लाइन के थ्रू, एक मिनट मेरा कॉल आ रहा है, अब रिसीविंग के लिए, यानी ये तो हो गया ट्रांसमिटिंग के लिए, हमारे पास ये ट्रांसमिटिंग सिग्नल जब हम ट्रांसमिट करेंगे तब, लेकिन रिसीविंग के लिए हमारे पास दो फंक्शन है। एक तो हमारा फंक्शन है ये प्राइमरी, जिसको हम PRX बोलेंगे, यानी यहाँ के थ्रू जितने भी डेटा रिसीव हो गए ये ICO के थ्रू, ये हो जाएगा हमारा PRX सेक्शन। कौन सा सेक्शन हो जाएगा? PRX, प्राइमरी रिसीविंग सेक्शन। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हमारा PRX सेक्शन हो जाएगा। और एक और IC लगी होगी आपकी, जो कि आपकी WDR के पास लगी होगी। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा वरना कंफ्यूजन में आ जाओगे आप लोग। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा मेन एंटीना, मेन एंटीना, और ये जो हमारी ICO की वो डिजर्व सिटी, यानी रिसीविंग IC, जिसको हम DRX IC बोलेंगे। और इसके ऊपर एक एंटीना रहेगा जो आपके सब बोर्ड के मदरबोर्ड जो रहता है उसके ऊपर साइड पे रहता है। आपको मैं ये IC का लोकेशन भी स्कीमेटिक के अंदर लोकेशन मैप में दिखा देता हूँ कि ये जितने भी सेक्शन यहाँ पे, जैसे ये सिग्नल ट्रांसमिट हुआ B7, तो यही तरीके से जितने ये सिग्नल यहाँ पे आपके रिसीव होते हैं, उसी ट्रांसमिट होते हैं, उसी तरह यहाँ से TRX भी, यानी सारे सिग्नल क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। अब ये सारे सिग्नल जो है वो रिसीव होते हैं, तो रिसीव होके ये सीधा देखो, आप देख सकते हो PRX, यानी ये सीधा जाएगा आपकी WDR के अंदर। आप यहाँ से देख सकते हो, यानी यहाँ से रिसीव हुआ। यहाँ पे एक आपका फिल्टर लगा है, स्विचर लगा है, वो ये दोनों को रिसीव करके एक बनाएगा। देख सकते हो आप B39 और 34, ये दोनों सिग्नल को ये स्विचर जो है, ये सॉरी स्विचर नहीं, ये बाइंडिंग बोल सकते हो, दोनों को बाइंड कर रहा है। ये बाइंडिंग जो स्विचर है वो यहाँ से इसको बाइंड करेगा, उसके बाद यहाँ पे ये एक कंट्रोलर के अंदर RF को इन करेगा, ये यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर RF को इन करेगा, और दूसरी जगह से दूसरे भी बैंड जो है मीडियम बैंड आ रहे हैं उसके ऊपर ये यहाँ पे V2 और ये रिसीव होगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे B3 और जो भी ये स्विचर है, यहाँ पे B34, B39, B2 और B4, यानी इस तरफ से जो दूसरे भी सिग्नल रिसीव हो रहे हैं PRX सेक्शन से, ये भी आपका रिसीविंग होगा। आपका MB3 PRX स्विच, सॉरी ये मीडियम बैंड के लिए स्विच है, स्विचर है, यानी मीडियम बैंड को स्विच करेगा, अलग अलग कंबाइन करेगा मीडियम बैंड को, यानी दो कंबाइन किए हुए जो RF का जो ये यहाँ पे ये आता है B4, B2 और B34, B39, यानी ये कंबाइनर है, यानी पहले दो को एक किया, अब ये चार को एक करने के लिए इसको स्विचिंग मिलता है, यानी इसको इनेबल मिलता है ये स्विचर को कि भाई तू कंबाइन कर। तो ये कंबाइनर जो है वो वर्क करेगा हमारे CPU के थ्रू। अगर CPU इसको सिग्नल नहीं देगा तो ये सिग्नल को हमारा कंबाइन नहीं करेगा। और हमारे मदरबोर्ड में ये कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा दूँ। कंबाइनर आप देख सकते हो, इसको कंबाइनर बोलेंगे, यानी ये हर सिग्नल को यहाँ से रिसीव करके कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके यहाँ से सीधा ये सेंड करेगा WDR PRX सेक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो RF के थ्रू रिसीव होगा वो प्राइमरी रिसीविंग होगा, तो यहाँ से ये PRX सेक्शन सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियम बैंड रिसीव हुआ। इसी तरह PRX के थ्रू मीडियम बैंड 2 और 3 रिसीव हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिसीव किया। तो यहाँ पे ये जो हमारा RXTX स्विचर है, यानी ये ट्रांसमिट भी करेगा और रिसीव भी करेगा। जब यहाँ पे B3 यानी B3 सिग्नल यहाँ पे देख सकते हो, B3 मीडियम बैंड 3 को हमारी ये IC ने
एक बना के दिया ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ से ये गया आपके ये RxJS फीचर में, और ये एंटीना के थ्रू यहाँ से सीधा क्या हो गया, ट्रांसमिट होगा, और ये ट्रांसमिट होके सीधा जाएगा आपकी ये वाली IC यानी जिसके अंदर हम बोलते थे PF, यानी यहाँ से जब ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा एक एक करके, तो बीच में RxTX फिल्टर हो गए। RxTX फिल्टर आपको दिखा दूँ कैसे दिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइप के जो 2706 2760 ये अलग अलग स्विचर है RxTX, तो वो RxTX स्विचर के थ्रू जब RFIC आपकी यहाँ से सिग्नल सेंड करेगी, ये स्विचर में आएगा और ये स्विचर यहाँ से ट्रांसमिट के लिए इसको देगा। जब यही सिग्नल वापस रिसीव होगा तो यही स्विचर के अंदर वापस आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से एंटीना से सिग्नल जब रिसीव हुआ तो ये TRX यानी ट्रांसमीटर भी और रिसीव भी अब रिसीव हो रहा है, तो ये रिसीव यहाँ से हुआ। अब क्या था, सिग्नल रिसीव हो रहा है तो TX लाइन से ट्रांसमिट नहीं करना है, वो क्या करेगा सीधा RX करेगा, और RX यानी रिसीव करेगा, और ये सीधा रिसीव होके आपकी WDR IC में जाएगा। इसी तरह आपका लोअर बैंड भी वर्क करेगा, ये लोअर बैंड रिसीव हो रहा है आप देख सकते हो जो आपका PRX है, तो यहाँ से ये रिसीव हो रहा है, और ये रिसीव सीधा कहाँ से B8 रिसीव होगा, वो यहाँ पे आपकी ये वाली IC से। यानी इन शॉर्ट में मैं कहना ये चाहूँगा कि टोटल ट्रांसमिटिंग का काम यानी डेट आपका कॉल ट्रांसफर्ट करना और ये करना, तो वो क्या होगा, CPU यहाँ से सिग्नल देगा आपकी WDR को, WDR यहाँ से वो सारे बैंड को एक साथ लेगी, यानी एक साथ में सारे बैंड को ट्रांसमिट करेगी, ये ट्रांसमिट करेगी आपकी, अगर 3G 2G मीडियम बैंड रहा तो PF को डायरेक्ट देगी, अगर अलग अलग करना रहा तो RF के देगी, RF क्या करेगी यहाँ से सीधा PF को देगी, और PF यहाँ से एंटीना से ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन अब रिसीविंग में क्या होता है कि जब कुछ आपका एंटीना यहाँ से डिटेक्ट नहीं होता, आप एंटीना नहीं लगाते, तो ये प्राइमरी सेक्शन वर्क नहीं करता, उस टाइम पे डिजर्व सिटी सेक्शन वर्क करता है, और डिजर्व सिटी सेक्शंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी सारे बैंड के रिसीविंग होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे कभी ट्रांसमिट नहीं होगा, ट्रांसमिट कभी भी नहीं होगा। अब रिसीविंग क्या होता है, यहाँ से सीधा रिसीविंग होता है, यहाँ से ये रिसीविंग करके ये IC स्विचर के थ्रू सीधा WDR को दे रही है। ये IC जो है RF जो रिसीव के लिए सिर्फ एक ही बैंड को रिसीव कर रही है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये वाली RF IC जो है वो टोटल काम इसका है ट्रांसमिटिंग करना, ये IC का काम है ट्रांसमिटिंग करना, जिसको आप 4G RF बोलते हो आप सब लोग, उसका काम मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इसमें मीडियम बैंड के बैंड जो है वो उसने ये सारे बैंड को अलग अलग किए हुए हैं, ये सारे बैंड अलग अलग किए, और यहाँ पे भी ये सारे बैंड अलग अलग किए, ये ट्रांसमिट करने के लिए आप देख सकते हो ये TRX ट्रांसमिट करने के लिए, यहाँ से ट्रांसमिट करने के लिए, उसके बाद ये भी ट्रांसमिट करने के लिए, ये भी ट्रांसमिट करने के लिए, यहाँ भी ट्रांसमिट करने के लिए, ये भी ट्रांसमिट करने के लिए, ये भी ट्रांसमिट करने के लिए, ओके। अब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका रिसीविंग ये भी ट्रांसमिट करने के लिए है, WDR ने इसको दिया ट्रांसमिट करने के लिए, इसको भी रिसीव कर रहा है सॉरी, और यहाँ पे भी WDR ने इसको ट्रांसमिट करने के लिए दिया, यहाँ पे भी WDR ने इसको ट्रांसमिट करने के लिए दिया, यानी तीन सिग्नल लाइन जो है जैसे B38 40 41 34 39 B20, ये सिग्नल WDR ने इसको बोला कि भाई ट्रांसमिट करो। अब ये ट्रांसमिट के लिए क्या करेगी, हर एक सिग्नल को एक एक करेगी, और यहाँ से एक एक करके वो सीधा क्या करेगी आपकी ये IC इसको ट्रांसमिट के लिए देगी। अब रिसीव हुआ तो यहाँ पे जब रिसीव होता है तो ये रिसीव करके क्या करती है ये IC, सिर्फ एक 4G का यानी हायर बैंड, आप देख सकते हो हायर बैंड वही इसके अंदर क्या होता है ट्रांसमिट होता है यानी रिसीव होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हायर बैंड B40 TRX भी है, B41 ये भी TRX है, यानी यहाँ पे ये सीधा क्या होगा रिसीव होगा, और ये IC उसको वापस एक कंबाइनर के अंदर डालेगी RF के अंदर इन। अब ये IC को कंट्रोल जो किया जाता है वो हाई बैंड स्विचर को, ये एक स्विचर है हाई बैंड स्विचर, यानी यहाँ से जो रिसीव होगा यानी 4G का एक ही सिग्नल ये IC रिसीव कर रही है, और रिसीव करके ये कंबाइनर के थ्रू, ये कंबाइनर कैसा दिखता है तो हम यहाँ लेआउट में आते हैं, आप देख सकते हो ये कंबाइनर है,
ये कंबाइनर के थ्रू ये क्या करेगी, सीधा डब्ल्यू टी आर को ट्रांसफर करेगी। अब ये कंबाइनर को वोल्टेज एक्टिवेट के लिए चाहिए 2.7, और उसको कंट्रोल जो किया जाता है वो सीधा आपके GCPU के थ्रू किया जाता है। अगर ये कंबाइनर टूट गया, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं जब यहाँ पे पदरा काटने जाते हैं तो ये कंबाइनर टूट जाता है, जिसकी वजह से भी आपको नेटवर्क का इश्यू आ सकता है। अब ये कंबाइनर ने ये नेटवर्क के जितने भी सिग्नल थे उसको एक में कंबाइन किया, और ये सारे सिग्नल को PRX के थ्रू आप देख सकते हो सीधा WDR के अंदर ट्रांसमिट किया, हायर बैंड देख सकते हो आप। उसके बाद एक ही हायर बैंड, लेकिन जो B2 और B7 हायर बैंड है, आप जानते हो कि इंडिया में B2 B7 नहीं है। अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको एक चीज़ दिखाई थी, इंडिया में सिर्फ हायर बैंड जो है B40 और B41 और HB1 है, यानी B1 40 और 41। तो यानी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जब 4G IC ख़राब होती है, यानी 4G नेटवर्क नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंबाइन करके देने वाला कंबाइनर एक तो रिस्पॉन्सिबल है, आपको दिखा दूँ, ये कंबाइनर रिस्पॉन्सिबल है और उसको कंबाइन करने वाली ये IC, तो हम लोग इसको 4G IC बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ही, ऐसा नहीं है कि हमारा B40 B38 जो प्राइमरी यानी PRX के थ्रू ही रिसीव होता है। अब क्या होगा, एक तो ये रिसीविंग हो गया, बाकी जितना भी रिसीविंग होगा वो रिसीविंग हमारी ये वाली IC रिसीव करके RXTX फिल्टर के थ्रू डायरेक्ट WDR को देगी। किसको देगी, डायरेक्ट, यानी ये IC का काम ओनली फॉर ट्रांसमिटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, ट्रांसमिटिंग के लिए और एक ही सिग्नल को रिसीविंग के लिए। उसके बाद क्या होगा, ये आपका प्राइमरी सेक्शन जब रिसीव करेगा तो सीधा आपको मैं दिखा देता हूँ कि प्राइमरी सेक्शन जब इसके ऊपर डेटा रिसीव करता है, यहाँ पे डेटा रिसीव हुआ, यहाँ से जैसे ही ये डेटा रिसीव हुआ P40, ये B40 ट्रांसमिट भी यहाँ से होगा और रिसीव भी यहाँ से होगा, ये चला जाएगा सीधा एक आपके RXTX फिल्टर में, और ये दोनों को कंबाइन हायर और लोअर को करके ये दो बैंड बनाएगा, और ये दोनों बैंड यहाँ से सीधा एक स्विचर के अंदर जाएगा, जिसमें B34 39 B2 B4 ये सारे को कंबाइनर एक कंबाइन करेगा और ये सीधा WDR को दे देगा। यानी इसमें RFIC बीच में आती नहीं है, कंबाइनर बीच में आते हैं। तो ये कंबाइनर जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको कंबाइनर अगेन दिखा देता हूँ, ये वाला कंबाइनर, ठीक है। तो इस टाइप से कंबाइनर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सारे कंबाइनर इंपॉर्टेंस है, तो ये कंबाइनर को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए। ये उसके बाद जो ये सिग्नल है वो सीधा चला जाता है आपकी WDR के अंदर, ये WDR के अंदर। तो ये WDR का प्राइमरी रिसीविंग हो गया, और यहाँ पे आपको मैंने ट्रांसमिटिंग दिखा दिया। अब हम आते हैं डिजर्वसिटी रिसीविंग पे। डिजर्वसिटी रिसीविंग आप देख सकते हो यहाँ पे एक HB1 और B40 आ रहा है, B41 भी आ रहा है, और लोअर बैंड के सिग्नल भी आ रहे हैं, हायर बैंड भी सिग्नल आ रहे हैं। मतलब ये IC भी यहाँ पे रिसीविंग का काम करेगी। वो कैसे करेगी, यहाँ पे हमें सिग्नल कहाँ से आ रहा है आपको दिखा दूँ कि एक DRX फिल्टर, यानी जो रिसीविंग फिल्टर लगा हुआ है ये वाला, ये रिसीविंग फिल्टर लेआउट में कहाँ लगा है तो आप देख सकते हो ये रिसीविंग फिल्टर है, यहाँ पे भी रिसीविंग फिल्टर, ये भी सारे रिसीविंग फिल्टर RXTX फिल्टर है, ये ट्रांसमिटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे ओनली रिसीविंग फिल्टर हो गए, ये रिसीविंग हुआ यानी यहाँ पे इनपुट हुआ, तो ये B5 सिग्नल DRX से आ रहा है, यानी ये वाली IC से। आप देख सकते हो ये वाली एक IC है जिसके ऊपर एक एंटीना है, DIV एंटीना, यानी डिजर्वसिटी एंटीना। ये एंटीना से जब सिग्नल इसके अंदर आएगा तो ये IC को भी वर्क करने के लिए वोल्टेज चाहिए 1.8 2.7 RFFE प्रोटोकॉल, आपको अभी मैंने समझाया। अब ये जितने भी सिग्नल रिसीव कर रही है, देखो ये DRX B5 B8 B20 B28 B39 ओके B34 B3 B1 B7 B38 B41 ये सारे सिग्नल रिसीव करके ये क्या करेगी, एक उसका फिल्टर होगा DRX फिल्टर, उसके अंदर इन होगा, यहाँ से ये सीधा क्या होगा, आउट होगा, यहाँ से ये सीधा आउट हो गए WDR के अंदर। तो WDR के पास रिसीविंग के लिए दो
सेक्शन है, एक तो PRX सेक्शन यानी प्राइमरी रिसीविंग सेक्शन, और एक सेक्शन है रिजर्व सिटी रिसीविंग सेक्शन। जब आपका कॉल आपका नेटवर्क आ रहा है, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो रिसीविंग सेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, रिसीविंग सेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि सिग्नल आने के लिए सबसे पहले ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास सिग्नल होना ज़रूरी है। तो सिग्नल होने के लिए हमारे पास दो प्राइमरी सेक्शन है, एक तो रिजर्व सिटी यानी DRX सेक्शन और एक दूसरा सेक्शन है PRX सेक्शन। अब आपको ये भी दिखा दूँ कि ये DRX सेक्शन की जो IC है वो आपको देखने में कैसी लगेगी और वो कहाँ पे आती है। बहुत सारे बंदे ये चीज़ को नहीं जानते, उसके लिए आपको बता दूँ यहाँ पे ये IC U2801 यानी यहाँ पे लगी है, और उसका एंटीना ये रहा, आप देख सकते हो उसका एंटीना, यानी ये IC भी आपका रिसीविंग का काम करेगी। और ये सारे एंटीना जब आप ऊपर स्क्रू लगा के जो ये लगाते हो, तो होता क्या है कि जब आप मेन एंटीना नहीं लगाते तो आपका रिजर्व सिटी यानी DRX रिसीविंग सेक्शन वर्क करेगा, जब आप मेन एंटीना लगा देते हो तो आपका PRX सेक्शन वर्क करेगा। तो दो सेक्शन के थ्रू हमारे नेटवर्क सेक्शन को कंबाइन किया गया है और उसका टोटल डेटा इसके अंदर जाता है, और ये IC टोटल डेटा हमारे CPU को देती है। और इससे भी ज़्यादा फॉल्ट फाइंडिंग के रिलेटेड अगर आपको देखना है, अब आपको नेटवर्क सेक्शन में फॉल्ट फाइंडिंग के रिलेटेड अगर बातचीत करनी है कोई भी तो आप मेरी बैच ज्वाइन कर सकते हो। होप के जितना भी समझा है आपको समझ में आएगा, बहुत सारे बंदे को नींद भी आई होगी। ये एक इंटरेस्ट की चीज़ है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ये मज़ा आएगा, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है। बेटर देन बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट लेवल के लिए आप लोगों को। तो आपको DRX सेक्शन, बहुत सारे बंदे DRX एंड PRX TRX ये सब में फंस रहे होते हैं, तो उनको आज आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे कनेक्टेड है, कौन सा बिटमैप। एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा आप लोगों को यहाँ पे, कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारे इंडिया का जो नेटवर्क है वो कितने सेक्शंस पे वर्क करता है। तो आप देख सकते हो B1, 3, 8 और 40 इंडिया का इतने पे वर्क करता है। तो हमको इतने बैंड स्विचरों पे ध्यान देना चाहिए, इतने सारे जो बैंड स्विचर है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो बाकी सारे बैंडों का जो काम है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग रहता है, उसके लिए कंपनी जो है ये सारे बैंड डाल के देती है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वर्क करेगा। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो ये था हमारी कौन सी कंपनी का बैंड कौन सा रहता है, ये भी बताया। आप जब नया फ़ोन ख़रीदने जाते हो तो ये सारे बैंड उसके अंदर ऐड होते हैं। तो हमारे बहुत सारे भाई WDR सेक्शंस के लिए रिलेटेड के लिए बात कर रहे थे, तो आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोगों का आइडिया आया होगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डीपली सेक्शंस में आइडियाज चाहिए तो आप लोग लाइव में आओ, मदरबोर्ड के ऊपर में दिखाते हुए ICR दिखाते हुए मैं आपको ये चीज़ वर्क दिखाऊंगा, और कैसे उसको चेक करना है वो भी दिखाऊंगा। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए इससे भी बेटर। तो मेरे सब्सक्राइबर अभी बढ़े नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए तो मज़ा आएगा, कम सब्सक्राइबर में वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी निकालना मुश्किल पड़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, गुड नाइट।